हे गाइज, क्या आपका भी फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और आपका ईमेल, फोन नंबर और आपका पासवर्ड तीनों चेंज कर दिया है? इसके वजह से आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने फेसबुक अकाउंट को दोबारा से रिकवर करके लॉगिन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो में हम जो भी प्रोसेस बताएं अच्छे से फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका हैक अकाउंट 100% रिकवर हो जाएगा। तो गाइस, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको एक्सेसिंग एंड डाउनलोडिंग लिखकर सर्च करना है। तो आप एक्सेसिंग एंड डाउनलोडिंग लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं फेसबुक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर शो कर रहा है एक्सेसिंग एंड डाउनलोडिंग योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन के नाम से, ठीक है। तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा और सेकेंड नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अकाउंट एक्सेस, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ नेक्स्ट, इस पर आपको कर देना है क्लिक। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है माई अकाउंट हैज बीन हैक्ड, इस पर आपको कर देना है क्लिक। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ नेक्स्ट, इस पर आपको कर देना है नेक्स्ट। तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा और देख सकते हैं ब्लू कलर का लिंक शो कर रहा है और लिखा हुआ है सिक्योर बाय गोइंग टू दी हेल्प कंट्रोल, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा और फर्स्ट नंबर पर देख सकते हैं लिखा हुआ आई थिंक माई फेसबुक अकाउंट इज हैक्ड, इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेबसाइट दिस पेज, इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ माई अकाउंट कंप्रमाइज, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो गाइज, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा और गाइज यहाँ पर आपका जो फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था उससे पहले का जो आपका फ़ोन नंबर था यहाँ पर आपको डाल देना है और जो आपका ओल्ड पासवर्ड था यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ऊपर में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइज, चलिए जल्दी से हम अपने हैक फेसबुक अकाउंट का फोन नंबर और जो मेरा ओल्ड पासवर्ड था यहाँ पर डाल देते हैं। देख सकते हैं जो मेरा फेसबुक अकाउंट हैक है उसका फोन नंबर और जो उसका ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डाल दिए हैं और डालने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ लॉग इन, इस पर आपको कर देना है क्लिक। उस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है और दो नंबर पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सेम आल्सो गेट इन टू माई अकाउंट विद माई परमिशन, इस पर आपको कर देना है क्लिक। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कंटिन्यू, इस पर आपको कर देना है क्लिक। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा और जो आपका फेसबुक अकाउंट का नेम है वो भी यहाँ पर शो करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है हाय रोहित, ये जो फेसबुक अकाउंट है रोहित के नाम से है, ठीक है। और गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ ग्रेट स्टार्टेड, इस पर आपको कर देना है क्लिक। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज, कुछ प्रोसेसिंग लेने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस आ चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू, इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो गाइज, उस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस आ चुका है और गाइज देख सकते हैं न्यू पासवर्ड डालने के लिए भी ऑप्शन आ चुका है। तो गाइज, आपको जो अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड रखना है यहाँ पर आपको डाल लेना है, ठीक है। चलिए जल्दी से हमको अपना फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड रखना है आप हम डाल लेते हैं। तो देख सकते हैं जो हमको अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड रखना है यहाँ पर हम डाल दिए हैं और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कंटिन्यू, इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो उस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस आ चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम सक्सेसफुल योर अकाउंट। तो गाइज, जो मेरा फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड है चेंज हो चुका है। तो गाइज, इसी तरीके से आप अपने हैक फेसबुक अकाउंट को रिकवर करके लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल रही होगी और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपना अकाउंट 100% रिकवर भी कर चुके होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर लिए या फिर नहीं हुआ। और हाँ, इस टॉपिक पर भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है और आप नहीं चाहते वो वीडियो आपसे मिस हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, जय हिंद।